है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सोचो अगर ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो क्या नहीं कर सकती है? तो तुम क्या चाहते हो, घर की बहू को घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दे हम? अगर ये संस्कार की तिलांजलि देने का इतना ही शौक है ना, तो फिर कर लो मनमानी, जो करना है वो करो। चीकी जिंदगी ही बेरंग हो गई हो, उसको ये रंगों की सौगात देकर काहे मजाक उड़ा रहे हो सुबेदार जी? हम आपका मजाक उड़ाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकते, हम तो बस इतना चाह रहे थे कि जैसे आपको देखे हैं वैसा ही देखे। कितना शौक था आपको बनने सवरने का। क्योंकि जनता के पैसा का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, आपको अपने ठेकेदार साहब से बात करनी होगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। किरण बिटिया, तुम ठीक कह रही थी, मुझे शिवा पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं गाड़ी के सारे जरूरी कागजात तैयार करवा दूंगा, चाबी तुम्हारे हाथ में, और फिर कल से मीटर चालू। ओ माँ, मुझे लगा कि क्या लगा, सूरज की याद आ रही है। अरे दुल्हन वो तो आएगी ना, आखिर पति है तो हार। नहीं माँ, बस वो का हम सब समझते हैं, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए। तुम्हारे मन का परिस्थिति भी हमसे छुपा नहीं है दुल्हन। हाँ माँ, वो शहर में ठीक तो होंगे ना? अरे हमारा सूरज कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, अपने आप को अच्छे से संभाल सकता है। हाँ अरे तुम्हारा जेठ जी धीरज, अरे वो तो अभी अभी काम करना शुरू किया है, बाकी अभी तक तो सूरज ही सब संभालता था ना। माँ दोनों भाइयों में यही तो खास बात है, घर में कोई एक भी ना हो तो दूसरा उसकी कमी महसूस नहीं होने देता। अरे वाह, धीरज ने तनिक तुम्हारी तरफदारी का कर दी, लगी जेठ जी के गुण गाने। याद रखो जेठ जी है तोहार, पर्दे वाला रिश्ता है। अरे वो तो शहर में रह के आया है, घर के रीत रिवाज के बारे में ढंग से जानता भी नहीं, लेकिन तुमको तो है ना, बस चली जाती हो मुंह उठा के फिरेंट होके उसके सामने। कितनी बार समझाया तुमको, बस तुमको तो समझना ही नहीं है। नहीं माँ, मैं तो बस काम हो, अब पलट के जवाब देना भी जरूरी है। अरे सूरज शहर कमाने गया है, जब बड़े बड़े नोट छाप के आएगा ना तो तुम भी राज भोगोगी। कुछ समझ में आ रहा है? अरे यही खातर कह रहे हैं कि सिर्फ अपने पति का और परिवार का ध्यान दो, गैर लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका ध्यान रखने की। क्योंकि सौतेला भाई एक ना एक दिन अपना सौतेलापन दिखाता ही है। गांठ बांध लो इस बात को। हाँ हमारे सूरज की तुलना धीरज से कर रही है। अरे जे की खातिर पूरे घर का पैसा खाली हो गया, और जब पैसा कमा के घर लाने की बारी आ गई तो खुद ही घर में आके बैठ गया। ए बेटा, इतना पैसा कहां से आया रे? अरे अम्मा, ये सब वसूली का पैसा है, जो लोगों को मैंने उधार दे रखा था ना वही लोगों से वापस लिया है। प्रधान जी ने तो अभी तक चक्रोट का पैसा हमें पास किया नहीं, तो इन्हीं पैसे से कैसे पैसे करके काम कर रहा हूं। काहे? अरे जब काम करके दे दिए तो पैसा काहे नहीं दिए? अभी तो बाऊजी के परम मित्र प्रधान जी ही बता सकते हैं।
हमने तो पूरा काम कर दिया अम्मा, अब वो ये कह रहे हैं कि मानक के हिसाब से चक्रोड़ा काम हुआ नहीं है। ये बात तो बहुत गलत है। अरे जब काम हो रहा था तो नहीं आए क्या देखने वो लोग, और जब पैसा देने की बारी आई तो 70 बहाना बना रहे। ओ मास्टर जी, आपसे कह रहे हैं, आप प्रधान जी से बात कह नहीं करते, अपने लड़का के लिए इतना भी नहीं कर सकते, देखिए कितना परेशान है। अरे भाई, हर काम अपने तरीके से होता है। अगर प्रधान जी बोल रहे हैं कि काम मानक के अनुसार नहीं हुआ है तो जरूर कोई कमी बेसी देखे होंगे। नहीं, सारी कमी बेसी तो आपको हमरे बेटवा में ही दिखाई पड़ती है। देख नहीं रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। अरे हम शिवा के काम में कमी नहीं निकाल रहे हैं। काम में तो क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। देखो क्या है कि सरकार की तरफ से एक मानक होता है, और हो सकता है कि उस मानक के अनुरूप काम ना हुआ। बहू जी, मैंने सरकारी मानक के हिसाब से ही काम किया है, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का ही सामान मैंने इस्तेमाल किया है। और आप भी कैसे सोच सकते हैं, जब गांव के विकास की बात हो तो मैं कोई समझौता करूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, पर हम जानते हैं कि हमारा सिवा कुछ गलत काम नहीं कर सकता। पर इनका क्या, इनकी तो सारी ईमानदारी, सारी चिंता अपनी भतीजी के लिए है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में अच्छा बनने के लिए हमारे बेटे को और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, बता दीजिए। बात को कहां से कहां ले जा रही हो। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आज तक कभी शिवा बेटे में और किरण में कोई फर्क नहीं किया, और तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आज तक कभी किसी सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया है, और ना ही कभी किसी की सिफारिश। अरे अगर दो बोल अपने बेटे के लिए बोल देंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे। अरे अम्मा रहने दो, बाबूजी को इसमें, और मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से बाबूजी का आत्मसम्मान। और बाबूजी किरण की शादी के लिए काफी परेशान है। किरणिया की शादी तो कब्बे हो जाती, पर नहीं, सब बढ़ावा दे रखे हैं ये उसको। बाबूजी कोई बढ़ावा दे नहीं रखे किरणिया को। अरे हर लड़की का हक है अम्मा, उसे अच्छा परवरिश मिले, और कोई भी लड़की को पराया ना समझे। अरे बाऊजी, मैं खुद एक बार जाके ब्लॉक पे जेई से मिलूंगा, और उनसे जानूंगा कि मानक के अनुसार क्या काम है, और कोई काम ही है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, और आपका सर बिल्कुल नहीं छोड़ने दूंगा। अभी आपके नजर में अपने आप को गिराने का मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पहले उस नागिन किरणिया को रास्ते से हटाना है। देखा रमा, अपनी शिवा को देखा, कितना सकारात्मक बदलाव आ गया है इसमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। सरकार की तरफ से सड़क निर्माण में जिन लोगों का भूमि अधिग्रहण हुआ है उन सबको मुआवजा जल्दी मिल जाएगा। तब तो प्रधान जी हमरा भी मुआवजा मिल जाएगा। हाँ रामलाल, सरकार की नजर में सब बराबर है। जिस जिस को मुआवजा मिलना है उनको मुआवजे का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ही मिल जाएगा। विभाग से मेरी बात हो चुकी है। चलिए प्रधान जी, अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, नहीं तो अभी तक हम सोच रहे थे कि जमीनों हाथ से चला गया, अब मुआवजा भी नहीं मिला। सरकारी प्रक्रिया है रामलाल भाई, थोड़ा समय लगता है। सरकार हर तरह से सोच समझ के हम किसानों के भले के लिए कदम उठाती है। हमें इस देश के सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गोकुल चाचा आपने। सरकार देश की जनता के प्रतिनिधि होती है, और जनता के हित में ही देश का विकास निहित होता है। गांव के किसानों को जब मैं विकास की ओर बढ़ता हुआ देखता हूं बहुत खुशी होती है, पर इस सब में बेटा तुम्हारा बहुत योगदान है।
और नहीं तो क्या, हम तो अपना खेत को बंजर समझ के छोड़ दिए थे, लेकिन धीरज बेटा ने सही समय पे सही सलाह दिया, तब देखो हमारा खेत में फसल लहलहा रहा है। गोकुल, ये परिवर्तन तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। चलो देर से ही सही, लेकिन हम विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है प्रधान जी। किसी भी समाज में, देश में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन प्रकृति और मानव को अगर बेहतरी की ओर लेकर जा रही हो तो फिर असल में वही विकास होता है। हमको लगता है कि हम गांव के लोग जिस तरह से अपना विकास कर रहे हैं ना, बहुत ही जल्दी हमारे गांव में भी कल कारखाने और फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात है चाचा, लेकिन जिस तरह से हम लोग अंधाधुंध अपने उपजाऊ खेतों की जमीनों पर कारखाने और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना, इससे पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारे खेतों का भी उतना ही महत्व है। हाँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन हमारे किसान भाई अगर खेतों में पैदावार ही नहीं करेंगे तो कल कारखानों को जो कच्चा माल चाहिए वो उन्हें कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमारा कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अरे, हमको तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि देश की तरक्की में हम जैसे छोटे किसानों का भी योगदान है। किसी भी देश की तरक्की में देश में रहने वाले हर उस शख्स का योगदान होता है। विकास की तरफ जाते हुए मैं आप लोगों को एक बात की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कोई बहुत गंभीर बात है बेटा? जी प्रधान जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। आज पूरा विश्व अपनी गलती मान रहा है कि जिस तरह से हम विकास के अंधी दौड़ में अंधाधुंध अपने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं, उससे हमारी प्रकृति का संतुलन खराब हो चुका है। अरे चाचा, आज के समय में शहर में हवा इतनी दूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुएं से निकलने वाली जहरीली हवा से वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, और इसका मुख्य कारण एक ही है, पेड़ पौधों का अभाव। पेड़ पौधे हमारी जहरीली हवा को सोख कर हमें शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए। ये समस्या तो है बेटा, और इसीलिए हमें पेड़ पौधों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपने परिवार के सदस्यों का रखते हैं। लेकिन प्रधान जी, हमको जब लकड़ी का जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे? आखिर लकड़ी तो पेड़ से ही मिलता है ना। अपने जरूरत के लिए अगर हम एक पेड़ काट सकते हैं तो दो पेड़ लगा भी तो सकते हैं ना। इससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा और अपना काम भी हो जाएगा। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि पेड़ पौधा से फल, छाया और लकड़ी, मधु, ला और जड़ी बूटी मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान तो इस तरफ कभी गया ही नहीं कि पेड़ पौधे की कमी से शहर में सांस लेने में दिक्कत होता होगा। अरे, हम बंद कमरे में थोड़ा देर रहते हैं ना तो हमारा दम घुटने लगता है। पता नहीं शहर में किशन माँ कैसे रह रहा हो। बहुत दिन हो गया किशन माँ को देखे। अरे चाचा, मैं तो कहता हूँ किशन को शहर से यहाँ बुला लो, आपको उन्नत किस्म की खेती करते देखेगा ना। हाँ। तो यहाँ पर रहकर आपका हाथ बटाएगा, आपको भी आराम मिल जाएगा। हाँ। और हो सकता है फिर नहीं जाए शहर। इतना आसान नहीं होता है बेटा। जिसको एक बार शहर का हवा लग गया ना, वो गांव में थोड़ी न रहना चाहेगा। सब तुम्हारे जैसा ही नहीं होता है। अब तुम अपना छोटका भाई सूरज को देख लो ना, तुम यहाँ गांव में किसानों को जागरूक कर रहे हो और तुम्हारा बात टाल के आगे चला गया ना शहर कमाने के लिए। अरे, कोनो काम धाम मिला कि नहीं उसको? जब तुम अपना भाई को मना नहीं कर सके तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हो? क्या प्रधान जी, हम कोनो गलत कर रहे हैं का? बस फिर दोस्त, आज से ही काम शुरू कर दो। और हाँ, ये जो रिक्शा है ना, भाड़े का है तो रोज किराया देना पड़ेगा। और हाँ, जो कागजात बनने में खर्च हुए उसका अलग से। देख, मैं ज्यादा पैसे लेके तो आया नहीं था, है ना, और जो थोड़े बहुत पैसे लेके आया था इतने से घर पे बैठा हूँ मैं, सारे खर्च हो गए। यार, तुमको ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब तो सारा काम हो चुका है, तुम्हारे काम में पैसे भी खर्च हो चुके हैं।
यार तुमने मुझे फंसा दिया है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। भाई एकदम कमाल के लग रहे हो, तुमको देख के लग ही नहीं रहा कि आज से पहले तुमने ऑटो रिक्शा नहीं चलाया है। चलो चलते, आजा चल। यार पता नहीं क्यों यार मेरा मन नहीं मान रहा यार, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊँ। यार तुम फिर से फालतू वाली बातें सोचने लगे, तुम बिना कोशिश किए हार मान जा रहे हो। अरे नहीं यार मैं हार नहीं मान रहा हूँ, बस मेरा मन नहीं मान रहा। तो यार मन को मनाओ ना, हम कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा तो चलाना है और क्या। और ये कोई रिक्शा साइकिल वाला रिक्शा थोड़ी है, गैस वाला रिक्शा है, इंजन है, इसमें गैस भरवाओ, चाबी घुमाओ, स्टीयरिंग संभाल लो। यार पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना ही तो है। देखिए यार अगर कुछ गलत गलत हो गया तो मैं शहर में नया हूँ, मुझे शहर के बारे में कुछ नहीं पता, पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग मिलेंगे। यार देख तुम कोई दूसरा काम भी करोगे तो लोग मिलेंगे ना, तुम ही कहते थे ना कि तुमको काम चाहिए। अब मैंने तुम्हारे लिए जितना करना था किया, अपने पैसे से वर्दी सिलवाई, गाड़ी के सारे कागजात बनवाए और तुम होके वापस हो रहे हो। देख भाई जब मैं इस शहर में आया था ना तो बिल्कुल अकेला था, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ा था, कितने धक्के खाए तुमको पता है, और तुमको बिना धक्के खाए हुए तुमको इज्जत का काम मिल जा रहा है। देखिए तुम समझ नहीं रहे हो, मैं घर पे क्या बोलूंगा कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर धीरज भैया को पता चल गया ना कि मैं रिक्शा चलाता हूँ ना तो मुझे वापस बुला लेंगे। यार तुम तो जानते हो ना धीरज भैया के बारे में ना, कि वो मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। यार धीरज भैया को ये सब बताने की जरूरत ही क्या है, तुम उनको कुछ और भी बोल देना। अच्छा बोल देना कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, जैसे मैं गांव में बोल के आया हूँ। और वैसे भी सूरज यहाँ तुम क्या काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो कौन देखने आ रहा है यार। देख चंदन मैं भैया से ना कभी झूठ नहीं बोल सकता। देख तुमको अपना सपना पूरा करना है कि नहीं करना है। देखो वो बात सही है, मुझे सपने पूरे करने हैं, लेकिन मैंने आज तक भैया से कभी कुछ नहीं छिपाया। यार कुछ अच्छा करने के लिए कुछ चीज को छिपाया जाए तो उसमें हर्जी क्या है। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे, और तब सोचो धीरज भैया को पता चलेगा कि तुमने कितना संघर्ष किया है, यार तुम्हारे लिए कितना वो गर्व फील करेंगे। ये बात तो सही है तेरी, तब लोगों को पता चलेगा कि मेहनत और लगन से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। अब जाके तुम सही बात कर रहे हो, बस फिर दोस्त आज से ही काम शुरू कर दो। और हाँ ये जो रिक्शा है ना भाड़े का है तो रोज किराया देना पड़ेगा, और हाँ जो कागजात बनने में खर्च हुए उसका अलग से। यार देख मैं ज्यादा पैसे लेके तो आया नहीं था है ना, और जो थोड़े बहुत पैसे लेके आया था तो इतने से घर पे बैठा हूँ मैं, सारे खर्च हो गए। यार तुमको ये सब पहले सोचना चाहिए था, अब तो सारा काम हो चुका है, तुम्हारे काम में पैसे भी खर्च हो चुके हैं। तो ना मैं एक काम करूंगा, मैं रिक्शा चलाऊंगा, जो पैसे आएंगे ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो। यार तुमने मुझे फंसा दिया है। खैर दोस्त के लिए भी सही, लेकिन ध्यान रखना सड़क में गंदगी मत फैलाना और यातायात के नियमों का पालन करना। अब जब काम करना है तो फिर नियम का दे तो मानेंगे ना। ये हुई ना बात, तो चलो मुंह मीठा करो, अब भगवान का नाम लेकर अपने नए काम की शुरुआत करो। लो तुम भी मीठा मुंह करो। ओ, चलो चल बैठ। चल स्टार्ट कर। गणपति बप्पा मोरिया। चल निकल। ये सब संभाल लोगी ना, देखो बहुत जिम्मेदारी का काम है ये सब। हाँ अगर माँ कहेंगी तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। पर एक बात ध्यान से सुन लो धीरज, समाज का मुंह हम बंद नहीं कर सकते, एक बार किसी की उंगली उठ गई ना तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है।
माँ तुमने अपने बच्चों को इतने कमजोर संस्कार नहीं दिए हैं। हम तीनों भाई बहनों में तुम्हारे ही तो संस्कार हैं। रहने दो, जब दो भाइयों के बीच हक की बात आती है ना बेटा, तो सारे के सारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अच्छा मामा, मैं क्या कह रहा था कि खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं और पैदावार भी अच्छी हो रही है, लेकिन इस बार बारिश के चलते पैदावार में थोड़ी किल्लत आएगी, दिक्कत होगी। एक बात बताए बेटा, इस बार बारिश जल्दी होगी और एकदम अच्छी होगी, और जो तुमने तालाब साफ करके रखा है ना, उसमें एक ही बार में पानी लबालब भर जाएगा, देख लेना। हाँ। अरे वाह माँ, इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि बारिश जल्दी आएगी, जबकि मौसम विभाग के हिसाब से तो अभी बारिश आने के कोई आसार नहीं है इतनी जल्दी। एक बात बताए बेटा, हम बुजुर्गों का अनुभव कभी कभी तुम्हारे विज्ञान को भी मात दे देता है। हाँ। वो तो है माँ, बारिश जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तो नल और कुएं धीरे धीरे सूख चुके हैं। पानी पर पूरा संसार टिका है, लेकिन हमें तब तक पानी के महत्व का एहसास नहीं होता जब तक पानी अपने महत्व का एहसास हमें खुद ना करा दे। एकदम 100% की बात बोला है बेटा, बिना मेहनत किए हमें जो कुछ मिल जाता है ना, उसका महत्व हम नहीं समझते हैं। क्यों माँ, अब अपनी आशा को ही देख लो, कितनी पढ़ी लिखी है, काबिल है, लेकिन अपनी काबिलियत को महत्वहीन बना के रखा है। जरा सोचो माँ कि उस दिन हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई थी, अगर ये नहीं पकड़ पाती तो घर का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ तो ठीक है ना, समय रहते सब पता तो चल गया। अरे कभी कभी एक बार में तुक्का भी लग जाता है। अब एक बात बताओ, तुम भी तो पढ़े लिखे हो कि नहीं, फिर तुमसे भी हिसाब में गड़बड़ी हो गई ना तब। हाँ गलती तो इंसान से ही हो जाती है ना। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये खेत खलिहान का सारा हिसाब किताब आशा को दे देते हैं, इससे इसकी काबिलियत का उपयोग भी हो जाएगा और हिसाब किताब में गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अरे इतना बड़ा कारोबार तो हमारा है नहीं, अब तक तो सूरज से कोनो गलती हुई नहीं, अब तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो बेटा। माँ घर में कोई तो ऐसा हो जिसको हिसाब किताब की जानकारी हो, अब तुम ही बताओ, अगर मैं कहीं बाहर चला गया तो हिसाब किताब कौन देखेगा। अगर तुम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाती ना तो ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे देता। अरे वाह, तो तुम कहाँ जाते हो। अरे इस बुढ़ोती में अब हम काका देखे, घर द्वार संभाले कि तुम्हारा हिसाब किताब। इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ कि ये सब आशा के जिम्मे छोड़ देते हैं, बहू घर की लक्ष्मी होती है, आशा के कारण अगर घर के 4 पैसे बचेंगे तो इसमें घर का ही फायदा होगा। क्यों आशा, ये सब संभाल लोगी ना, देखो बहुत जिम्मेदारी का काम है ये सब। हाँ अगर माँ कहेंगी तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। अरे माँ क्यों नहीं कहेगी, आखिर ये भी तो घर का ही काम है ना। क्यों माँ। हाँ जब जेठ के सामने जाने में बहू को कोई शर्म संकोच नहीं है तो फिर हिसाब किताब के काम के लिए हम क्यों रोके। पर एक बात ध्यान से सुन लो धीरज, समाज का मुंह हम बंद नहीं कर सकते, एक बार किसी की उंगली उठ गई ना तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। हाँ देख लेना। माँ तुमने अपने बच्चों को इतने कमजोर संस्कार नहीं दिए हैं कि किसी की उंगली उठाने से हमारे परिवार पर आंच आए, और बाऊ जी के जाने के बाद मैंने तुम्हें ही अपना पिता और माता समझा है।
हम तीनों भाई बहनों में तुम्हारे ही तो संस्कार हैं। रहने दो, जब दो भाइयों के बीच हक की बात आती है ना बेटा, तो सारे के सारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। आपसे पहले जो जय साहब थे ना, उनसे बहुत अच्छी जमती थी मेरी। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा, नया नया ट्रांसफर हुआ है मेरा, आज तक किसी ने मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। सब लोग अपना काम ईमानदारी से मिलजुल के करें तो इसमें तो सबका भला है। प्रधान जी, पता नहीं ठेकेदार साहब किस भले की बात कर रहे हैं। वैसे सरकारी पगार से मेरा भला आराम से हो जाता, और ज्यादा की चाहत भी मुझे नहीं है। तथा मेरा भाई बहुत जिद्दी है, कह तो रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, आप तो जानते हैं ना, मन नहीं मानता है। अरे तुमको काहे चिंता पड़ी है उसकी, अगर माता रही है, मेरा रू है, वो चिंता करे, तुम अपना देखो। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।